वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद अरूश। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्कियाँ, जिसमें हम सब्जियाँ भी ऐड करेंगे, साथ में चिकन भी ऐड करेंगे। तो आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसमें है चिकन, गाजर क्रश की हुई, हरी मिर्चों का पेस्ट, बंद गोभी, इसको भी मैंने क्रश कर लिया था, धड़ा मिर्च, धनिया, अंडे, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा। तो अब हम अपने आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं और मैं आलू भाग के साथ ही मैश करूँगी। अब मैं आलूओं को अच्छे से मैश करने लगी हूँ। हाथ से बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे, इसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, बंद गोभी, गाजर, हरा धनिया, धड़ा मिर्च और बॉईल किया हुआ चिकन, जिसको मैंने रेशों में रेशे कर लिए थे। हरी मिर्च का पेस्ट, और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं आलू की टिक्कियाँ बनाऊँगी। इसी तरह मैं सारी तैयार कर लूँगी। अंडे मैंने तोड़ के बाउल में डाल लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड की है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें काली मिर्च और नमक डाल भी सकते हैं, नहीं भी। नमक और काली मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं आलू की टिक्कियाँ इसमें डिप करूँगी और एक एक करके ऑयल में रखती जाऊंगी। क्या हमारी फ्राई हो रही है, अब हम थोड़ी देर तक इनकी साइड चेंज करेंगे।
अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। इन्हें थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे, जब लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे। आप इन्हें पैन या कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें तवे पे फ्राई किया है। घी तो टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की आलू की क्रिस्पी और टेस्टी टिक्कियाँ तैयार हैं। जी तो व्यूअर्स, गर्मा गर्म आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं हमारी। देखिए कितनी अच्छी शक्ल आ रही है बनी की। आप भी ने अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपनी मेज़बान अरूश को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।